हाँ जी स्टूडेंट सत श्रीकाल जी, थोड़ा सब का स्वागत है जी डीडी अकैडमी के प्लेटफॉर्म पर। रजे जी, मैं तुम्हें पता है SSMTS की सीरीज़ थोड़ी है वधिया ढंग है ना चल रही है, कंटिन्यू आप कर रहे हैं जी। 10-11 वीडियोज़ अपलोड भी हो चुकिया ने इंग्लिश दियाँ, तो ये आप जो करांगे जी सब्जेक्ट वर्ब का जी अपना टेस्ट करांगे जी, ठीक है। दो वीडियोज़ यदि आ गया, ठीक है, जो जो तुहाडे लिए इंपोर्टेंट से आप डिस्कस कर चुके ऑलरेडी, तो हूँ अज आप टेस्ट कंडक्ट करांगे, थोड़ी बहुत नवी चीज़ा भी सीखने को जरूर मिलनगियां जी। क्लीयर है जी? तो हूँ तुम जो प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखिया तुम पहले तो वो जाके देखनिया ने गियाँ, क्लीयर है। चलो आप नैक्सट करते हैं जी, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का टेस्ट करते हैं जी। क्लीयर है जी? देखो पहला क्वेश्चन देखो, फिलिप्स है, फिलिप के फॉर्म के है जी, की है भला कहने द क्राउड डैश वेटिंग फॉर द चीफ मिनिस्टर, ठीक है जी। तो देखो पहले सब तो पहला तो की है जो क्राउड है, थोड़ा तो कलैक्टिव नाउन है जी, की है जी थोड़ा कलैक्टिव नाउन है। ये पहला सीखा भी जो कलैक्टिव पर अपना नाउन होगा है ना, कलैक्टिव नाउन होगा जी, तो जी तो वर्ब है ना वो तो वर्ब की है जी सिंगुलर होनी चाहिए। वो याद है ना कंसैप्ट मैं तुम्हें कहा सी, पहले तो ऐ देखना है भी वह मतलब मोटिव की है, ये तो यूनिटी वाला है फिर तो वर्ब सिंगुलर रहेगी। हाँ जे किसी गल करके अलग अलग व्यूज आ रहे हैं, अलग अलग ओपीनियनस आ रहे फिर वर्ब की रही होंगी प्लूअल रही होंगी है। ये आप एग्जाम्पल्स कितनी हुई हैं, किन्ने विच कितनी हुई हैं, नाउन वाले च कितनी हुई हैं, चलो गुड है। तो हूँ मैं पता है इतने जे मैं तुम्हें ऑप्शन दे दाँ भी वाज या वर, तो तुम की लगाओगे बई? बिल्कुल जी, तो कलैक्टिव है ना, कि वेट कर रहे हैं चीफ मिनिस्टर की कर रहे हैं, क्राउड पूरी भीड़ कर रही है, इको बंद की वेट कर रहे हैं, तो आंसर विल बी, तो वह आंसर रहेगा भी वॉज। तो इतने जी थोड़ी वर्ब रहनी चाहिए है वो की रहनी चाहिए है, वॉज रहनी चाहिए है। इस चीज़ में चंगी तरह नोट डाउन कर लो जी, क्लीयर है। नैक्सट है जी इज या आर, ठीक है, एंडे दसना माई स्पैक्टिकल्स, स्पैक्टिकल्स किनू कहा गया, एंड एम का कहा गया, ठीक है, माई स्पैक्टिकल्स डैश मिसिंग, इतने एम छोटी आऊगी जी मिसिंग, ठीक है जी। दसो इज लगाऊंगी कि आर, मैं तुम्हें चंगे पहले नाउन करवाए थे जिन्हों की जी एंडिंग है वह कि होंगी है, एस नाल होंगी है, जिदा कि स्पैक्टिकल्स हो गया, ट्राउजर हो गया है ना अपना, और क्या कहते हैं अपना अपना टोंग्स हो गया, करे से ना सारे नाउन वाला चैप्टर तुम चंगा चंगी तरह देखना है, उन्हें मैं तुम्हें दसिया से इन्हों नाउनस के नाल जी थोड़ी वर्ब रही है वह प्लूअल रही है, सो दैट्स वाई इतने असं की लगावे बच्चा, इतने असं लगावे आर, यू भुलना नहीं है तुम्हें, ठीक है। पर पेपर वाले कन्वर्ट किए बन जान के पता की कर देंगे नहीं, लेट्स सी, अपीयर अपीयर ऑफ स्पेक्टिकल्स, वो थोड़ा चेंज कर सकते हैं, वो थोड़ा लिख सकते हैं अपीयर ऑफ स्पेक्टिकल्स। हूँ जी थोड़ी वर्ब है वो इस नज़र च रखते हुए लगेगी, अ लगे ना तो उत्थे हूँ थोड़ी की बन जाएगी वर्ब सिंगुलर, तो ये चीज़ का तुम खास ध्यान रखोगे, ठीक है। चलो नैक्सट जी डायबिटीज डैश नोट इज सीरियस एज कैंसर, पहली गल तो ये चीज़ नोट डाउन कर लियो जी कि भला इतने वॉज लग्या, इतने लग्या जे मैं इधर वॉज का वर्ड चो पूछा, ठीक है, तो इतने मैं इस या आर चो पूछा, आप लगाया आर लगाया है ना, तो किसी भी बीमारी के अगे असं आर्टिकल द नहीं लगाना, तो हूँ जिन्ना बीमारी अगर द लगाना है वो तुम मैंने कमेंट सैक्शन जो दसोंगे भी कि पिछली क्लास के दसिया सी मैं, ठीक है। चलो जी तो हूँ इतने दसो हूँ इतने की लग रहा है भी इतने की लग्या हो एस डायबिटीज, पता तुम्हें डायबिटीज की स्पैलिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है थोड़े लिए, तो ये स्पैलिंग भी ध्यान देख लियो भी डायबिटीज की स्पैलिंग किमें पाए हुए हैं, पेपर से भी पूछ सकते थोड़ा, तो डायबिटीज डैश नोट एज सीरीयस, तो यह नहीं मानना है भी ये जो एस लगे तो वर्ब की होगी सिंगुलर या प्लूरल होगी, ठीक है जी। मैं इज या आर ला दा तो यह मतलब यही नहीं है भी जे यदि स्टार्टिंग की तो हो रही है, सॉरी एंडिंग एस तो हो रही है भी इतने की लगेगा यह प्लूअल है, नो इट इज नॉट प्लूअल, यह सिंगुलर ही होंगे, तो इतने की लगेगा बई ईजी लगेगा, समझ लगी मेरी गल की। चलो जी नैक्सट हूँ द फैमिली, हूँ जी फैमिली है ये किसी तरह काम कर रही है कलैक्टिव नाउन की तरह काम कर रही है, कि तरह कलैक्टिव नाउन की, जो हम मैं तुम्हें इतने हैज या हैव का काम करा ये थोड़ा मैं दोनों जा लैके आई हूँ जान के तुम्हें पता लग जो है किमें सोचना आप हूँ द फैमिली, फैमिली कितना तो बनती है मैंबरस तो बनती है ना, जो घर के मैंबर होंगे उन्होंने कलैक्ट करके की बनती है फैमिली बनती है, कलैक्टिव नाउन हो गया ना फैमिली। चलो कहते उन्होंने की छड़ता जी घर छड़ता, ठीक है, तो दसो हैज या हैव लैफ्ट कलैक्टिव नाउन आ गया, तो कलैक्टिव नाउन का एको ही परपज़ रहा तो की आजगा बई हैज़ आजगा, हैज़ आ गया, क्लीयर है। बट हूँ इतने की कहा जा रहा है हूँ मैं वो मैंबरस नू गिन रही हाँ, मैं ऑल कहता कि कहता ऑल कि ऑल द मैंबरस ऑफ द फैमिली डैश लैफ्ट, हूँ जे मैं इतने पूछा हैज़ या हैव चु की आऊगा दसो बई की आंसर होएगा, हूँ कहता ऑल द मैंबरस सारे मैंबर जा रहे हैं
हूँ मैंने इतने की लगाना पेगा हैव लगाना पेगा की लगाना पेगा हैव कि करके चेंज आ गया आह ऑल द मैंबरस करके चेंज आ गया ठीक है ऑल द मैंबरस ये चीज़ नोट डाउन कर लो विच ऑल द प्लस तुहाडा नाउन की होगा बई प्लूअल नाउन होगा ठीक है नाउन की होगा प्लूअल नाउन होगा उत्ते वर्ब ही हमेशा की रहती होंगी है प्लूअल रहती होंगी है समझ लग गई जी चलो जी नैक्सट हैगी भी वेट फस्ट लिखा हुआ दस्या से ना जिन्हें भी थोड़े ओरिजिनल नंबर आते हैं फर्स्ट सेकेंड थर्ड बॉटम लास्ट उन्होंने तो पहला हमेशा थोड़ा आर्टिकल की होना चाहिए द होना चाहिए हैगा भी है ठीक है इस चीज़ भी ध्यान नोट डाउन करते जाया करो क्लीयर है जी कहते द फर्स्ट इनिंग्स डैश ओवर इज या आर हूँ बच्चों की लगेगा इतने की लगे हुए एस पर मतलब ये तो है नहीं भी ज्यादा नो इतने आऊगा इज ओवर ये चीज़ का तुम खास ध्यान रखोगे इनिंग स्पैलिंग भी देख लो बोलन से तो इनिंग बोल रहे हैं बट ये होंगे इदा तेरी स्पैलिंग भी इंपॉर्टेंट ने ठीक है नैक्सट बच्चा फिजिक्स डैश माई फेवरेट सब्जेक्ट तो इतने भी एस लगे हैं तो मतलब यही नहीं है भी प्लूअल है सिंगुलर ही है तो की आऊगा जिम्मे इकनोमिक्स हो गया मैथमैटिक्स हो गया है ना इन्हों एस लगता न्यूज़ हो गया ये प्लूअल नहीं होंगे सिंगुलर ही होंगे चलो जी नैक्सट बई अ लार्ज नंबर पीपल अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल तो मैं तुम चंगा भला दसिया की लगाना होंगे अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल डैश वेटिंग फॉर द प्राइम मिनिस्टर जिम्मे तुम इज लगा दा या आर लगा दा जो भी थोड़ा सेंटेंस के आ गया बई अ लार्ज नंबर ऑफ लिखा आ गया पहला तो थोड़ा जरा व अपना नाउन है प्लूअल होना चाहिए पीपल प्लूअल ही है ना तो इस तो बाद जी वर्ब भी होनी चाहिए वो कि होनी चाहिए है प्लूअल होनी चाहिए है सो आंसर थोड़ा की रहेगा बई आर रहेगा इज दैट क्लीयर एवरी वन चलो जी नैक्सट देखो नैक्सट कहते रब कर दिए सारे चलो ये नोट डाउन कर लो जी एक बार जे स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट भी लै लो यदा भी किमें कि कुछ लिखा हुआ कई बार ना अपन जे अपना थोड़ा बहुत साइंस भी हो ना तो चीज़ें याद रहेंगे जो स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट भी लै सकते हो ठीक है चलो नैक्सट देखो बच्चे नैक्सट हैगा दीज वर्मन यहाँ मैं ना थोड़ा चंगी तरह समझाऊंगी दोबारा फिर क्योंकि मैं पहला भी दस्या जो वर्म है ना रजे ये थोड़ा कलैक्ट यही की हैगा ये थोड़ा प्लूअल नाउन ही है कि नाउन है थोड़ा प्लूअल नाउन ही है सो दैट्स वाई ही एंड अगे की लग्या पे दीज लग्या पे ना ही इनू एस जे ई एस की लड़ है क्योंकि अपने आप से प्लूअल है जिदा बच्चा मैं बोला पीपल तो पीपल अपने आप से की है प्लूअल है तो इनू एस से ई एस की जरूरत नहीं हैगी चिल्ड्रन वर्ड है थोड़ा चिल्ड्रन भी कि नाउन है प्लूअल है तो इनू एस ई एस की जरूरत बिल्कुल भी नहीं हैगी एग्जैक्टली तो इनू भी तो यहाँ मतलब की है भी ए तो बाद पहले तो मैंने इन्नी गल दसो कि लगता है ए तो बाद जी वर्ब है जी आप प्लूअल है जे ये आप प्लूअल है तो वर्ब कि आनी चाहिए सिंगुलर आनी चाहिए कि प्लूअल है पहले ये सोचो दिमाग लाओ दो मिनट हाँ जी तो देखो जे मैं थोड़ा दे दा एक साइड मैं लिखदा स्प्रैड लिखदा जी और एक साइड मैं लिखदा जी स्प्रैड्स जल्दी मैं दसो भी थोड़े अकॉर्डिंग की आंसर आना चाहिए जी ठीक है जी समझ लगी दीज वोमन डैश डिजीज ठीक है जी तो आंसर विल बी हेयर देखो आ जी तुम्हें दसी हुई है वर्ब की किन्नी फॉर्म होंगी है जी कली पहली फॉर्म ही की होंगी है प्लूअल वर्ब होंगी है लिख लो जिन्होंने नहीं पता जी वर्ब की पहली फॉर्म होंगी है तुहाडी केड़ी वर्ब होंगी है बच्चा प्लूअल होंगी है पर जो वर्ब की पहली फॉर्म ना की लग्या पिया होंगे भाई एस जा ई एस लग्या होंगे वो थोड़ी केड़ी वर्ब होंगी है बच्चे सिंगुलर वर्ब होंगी है काइंडली इन चंगी तरह नोट डाउन कर लो फिर भाई जे ए वर्मन सी प्लूअल है तो वर्ब ही प्लूअल होना चाहिए इट मीनस आंसर इतने की आऊगा जी स्प्रैड आऊगा जी की आऊगा स्प्रैड आऊगा लिख लो जी ये चीज़ ठीक है चलो नैक्सट मूव ऑन करिए अगला जी स्पोर्ट द एरर इफ एनी ठीक है चलो चलो पहला जमा सौखे ईजी है फर्स्ट क्वेश्चन मैं थोड़े लिए छड़ दनी हाँ पहला क्वेश्चन मैं थोड़े लिए छड़ दनी है ये तुसी दसोंगे भी मिसटेक ई च है ए च है बी च है या सी च है या डी कहता कोई एरर नहीं ठीक है तो हूँ मैं ए बी सी डी ना एक बार लिखूंगी चंगा उपर लिखते बस आप मैं आंसर कमेंट सैक्शन दसोंगे देखते हैं किरा कि सही आना है चलो हाँ जी ये दस्या होया रूल मैंने अज तो दस्या होया मैं हिंट भी दे दिनी हाँ चलो ठीक है यदा रूल है ध्यान नाल देख लियो बस भाई चलो जी कहते जी द इंट्रोडक्शन ऑफ टी कॉफी एंड सच अदर बेवरेजेस हैव नॉट बीन विदाउट सम इफेक्ट देखो भाई सीधी जी गल है पहला तो मैं यही कहा थोनू अपना क्या कहें थोनू रूल अपना सबजैक्ट डिफाइन करना आना चाहिए भी सबजैक्ट है कि हूँ मैंने इतने चंगा भला पता लगे बच्चे कन्फ्यूज़ किस हो जाएंगे मैं दसदी हाँ
बच्चों में होगा इतने पी आ गया ए नाउन आ गया भी आ भी नाउन आ गया तो भी प्लूअल हो गया बट नहीं इतने जो मेन सबजैक्ट बन रहा ना तो मेन सबजैक्ट बन रहा बच्चा द इंट्रोडक्शन बन रहा है तो यह की है सिंगुलर है की है जी सिंगुलर है तो बई सबनों पता है जे सिंगुलर है तो वर्ब भी की होनी चाहिए सिंगुलर इतने हैव नहीं होना चाहिए सगा की होना चाहिए सगा हैज होना चाहिए सी तो जे एरर पूछ लिया कि ए च है बी च है ठीक है या सी च है या फिर डी च है तो आंसर आप कहेंगे भाई बी दे विच एरर है इतने हैज होना चाहिए सी क्योंकि जो मेन सबजैक्ट बन रहा है वह की बन रहा थोड़ा इंट्रोडक्शन समझ लगी मेरी गल की चलो जी नैक्सट देखो रजे एवरी वूमन इन द वर्ल्ड फ्रीवेंटली होप्स कहते हर एक जी औरत की चाहती होंगी है भी जो बच्चा हो ना कि वह नॉर्मल हो हैल्दी बेबी हो ना अफकोर्स की गल हर एक औरत चाहूगी है ना तो हूँ देखो गलती कितने है पहली गल तो यह की है आ की लग्या पे एवरी सब तो पहला ध्यान की देना जो भी तुम सेंटेंस के ईच देख लिया एवरी देख लिया या कोई भी इंडेफिनिट प्रोनाउन देख लिया है ना ता उदो तो उदो जो वर्ब है वह हमेशा की रहने चाहिए होंगे है जी सिंगुलर रहने चाहिए होंगे ने कि जी सिंगुलर ठीक है जी मैं देखा हाँ सिंगुलर ही लग्या पे है ना होप्स सिंगुलर ही है ठीक है ये तो अभी तक तो सही है पर आ की है वट इज दिस की है जी देयर चाइल्ड आऊगा रियली नहीं इतने देयर चाइल्ड नहीं आता इतने की आएगा बई इतने आएगा तो हर चाइल्ड आऊगा देयर तो ज़्यादा ली है मैं तेन कहा जो ईच तो एवरी आ गया तुम सारा कुछ ही सिंगुलर सिंगुलर रखना है ठीक है तो जो वर्ब सिंगुलर लगी है फिर देयर चाइल्ड जो पोजेसिव ऑब्जेक्टिव है वह भी की लगना चाहिए है सिंगुलर लगना चाहिए तो मैंने इतने जेंडर डिक्लेयर हो रहा है औरत का जेंडर किहड़ा हुंदा है गर्ल वाला हुंदा है तो सबनों पता है औरत दे लई पोजेसिव ऑब्जेक्टिव असीं किहड़ा वरतदे हुंदे हैं जी हर वरतदे हुंदे हैं सो दैट्स वाई इतने देयर नहीं आता की आएगा बई हर आएगा चंगा जी की आएगा इतने हर चलो जी नेक्स्ट देखो बई आइदर यू और ही लिसन एवरीवन जो तो भी तुम्हें और वाला सेंटेंस मिल गया ना और तो उदे लिए अपने लिए इंपॉर्टेंट की बन जाता हूँ सब्जेक्ट आ वाला सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट बन जाता हूँ मतलब और तो बाद असी की देखना ही देखना ठीक है तो ही लग्या पे ठीक है आ की लग्या पे नो आर नहीं आता की लगेगा इतने इज लग समझ लग गई जे इतने लग्या होंगे ना यू एंड ही कला जे इतने यू एंड ही लग्या होंगे फिर मैं आर कह सकती सी कि इतने दो जनिया की गल कर रहे हैं पर हूँ आप तेरे चो या उदे चो ठीक है तेरे चो या उदे चो ये मतलब ये है आइदर का मतलब हमेशा की होंगे दोहां चो एक बट ये नहीं पता कौन दोहां चो एक होंगे का मतलब ठीक है पर थोड़े लिए मेन सबजैक्ट कि बन जाता है आइदर वाले कंसैप्ट ता और तो बाद वाला ठीक है ये चीज़ा याद रखियो वैसे भी ना जी मेरी सुनो ध्यान नाल गल जिन तुम्हें मान लो आइदर ना भी लिखा आता जे मान लो तुम्हें आइदर ना भी लिखा आता तो तुम्हें और तो बाद देखना से भी की लग्या पे जिवें ही लग्या पे है ना तो उस अकॉर्डिंग तुम इतने हैल्पिंग वर्ब लगाना सी मैं इतने लगाऊंगी इस समझ लग गई जी क्लीयर है चलो जी एक चीज़ तुम होर की ध्यान देना है एक चीज तुम्हें देखनी है बई भी आइदर जो कॉम्बो है कि बने पे और सही एक आ क्वेश्चन भी थोड़ा बन सकता आराम नाल ठीक है जी चलो नैक्सट ध्यान नाल समझो जी हुण आपां गलतियां देख लीए कित्थे कित्थे कढ़ियां सीगियां आ तां तुहाडा ही होमवर्क है ये तुसीं मैनूं दसोगे ठीक है तो इहदे विच आ इंट्रोडक्शन आपां मेन सबजैक्ट बनदा सीगा ठीक है तो इत्थे नेहाम लगाया सी ठीक है तो आह हर चाइल्ड तो इहदा इज हुण देखो आ दो क्वेश्चन मैं जान के ही इकट्ठे लिखे आ तुहानूं चंगी तरह चीज़ां नूं समझाउण वास्ते क्लीयर है जी चलो नो एर हूँ देखो कहते जो 5000 रुपये ना वो की है मेरे लिए एक उनके लिए वड्डी अमाउंट है यदा मतलब ये है भी जो 5000 है जी है ना किसी लिए 5000 वड्डे होंगे किसी लिए घट होंगे चलो पर जो सेंटेंस लिखा ये लिखे भी उदे लिए जो 5000 है जी बहुत ज़्यादा है देखो हैगे तो ज़्यादा ही है ना हैगे तो ज़्यादा ही है 5000 रुपीज़ क्लीयर है पर उन्होंने एक सिंगल परपज़ के लिए वरते जा रहे हैं की कहा जा रहा है उन्होंने जो मोटिव है कि सिंगल है कि एक लार्ज अमाउंट है ठीक है एक लार्ज अमाउंट है जिमें मैं कह दा 10 किलोमीटर्स डैश आ लोंग डिस्टेंस भी की है एक लंबा रस्ता है लंबा डिस्टेंस है तो इतने आप लगावे इस लगावे ठीक है उन्होंने
एक सिंगल यूनिट की तरह वरत्या जा रहा है, कि यूनिट की तरह वरत्या जा रहा है, एक सिंगल यूनिट की तरह वरत्या जा रहा है, तो उत्ते वर्ब तो टिकी रहेगी, सिंगुलर रहेगी, तो इट मीनस इतने कोई एरर नहीं है, ये चीज़ का ध्यान रखियो। पर जे मैं मान लो मैं कहना भी भाई उही 5000 रुपया मैं की किया अलग अलग चीज़ों से लै लिया, कितने लै लिया जी, अलग अलग चीज़ों से लै लिया, किसी का फोन लै लिया, किसी का कुछ लै लिया, किसी का कुछ लै लिया, किसी का कुछ लै लिया, भी उही 5000 रुपये मैंने की किया अलग 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 से लाता लाता ना अलग अलग से, तो उत्थे हुण उत्थे वर्ब थोड़ी सिंगुलर नहीं रहेगी, ये चीज़ में तुसीं अपनी लैंग्वेज दे विच लिख लो, उत्थे थोड़ी वर्ब सिंगुलर नहीं रहेगी, उत्थे थोड़ी वर्ब बन जाएगी प्लूअल, उत्थे थोड़ी वर्ब की बन जूगी जी प्लूअल। पर जे मान लो मैं ऐ कह दा वी 10,000 रुपीज डैश बीन स्पेंट, भी मैं खर्चते भी खर्च हो गई जी, है ना, तो इतने दसो हैज आऊगा कि हैव आऊगा, कुछ नहीं किया हुआ है ना, तो आप की लगा देंगे हैज, की लगाता हैज। पर जे मैं उही कह दा भी मैं वो 10,000 का की किया जी, मैं एक फोन लिया ही, एक मैं फर्नीचर का कोई मटीरियल वगैरह कोई आइटम वगैरह ली, तो डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स हो गए उन्होंने मैं नहीं जो परपज बन गए, दो अलग अलग परपज बन गए, सीधी सी गल है, तो उत्थे मेरी वर्ब की बन जूगी जी प्लूअल। बस ये चीज़ है तुम्हें की ध्यान रखना है, आ चीज़ में नोट डाउन कर लो भी, जे तो परपज एक है, जे वह परपज एक होया तो वर्ब की रखा आप सिंगुलर, पर जे उस ही सर्टिन या फिक्स अमाउंट का या फिक्स डिस्टेंस या फिक्स हाइट का, ठीक है ना, तो उदो आप की लगानी होंगी वर्ब अपनी प्लूअल लगानी होंगी, चीज़ का ध्यान रखियो। चंगा जी, जिमें फॉर एग्जाम्पल मैं कह दा भी 10 किलोमीटर का जो रस्ता है, मान लो जी 10 किलोमीटर का जो भी रस्ता होया है, ठीक है, मैं कितने कवर किया बाय बस कवर किया, कितने कवर करता बाय बस, तो उत्थे मेरी वर्ब की रहूगी जी, अफकोर्स ये गल है सिंगुलर रखागी वर्ब, ठीक है। पर मैं कह दा मैं अद्धे रस्ते तो बाय बस आ गई, फिर थोड़े रस्ते मैं कार पर आ गई, फिर मैं स्कूटर पर आ गई, लाइक दैट डिफरेंट डिफरेंट डिफरेंट, ठीक है ना, तो उत्थे वर्ब थोड़ी की रहूगी जी प्लूअल रहूगी। ये चीज़ है तुम खास ध्यान रखोगे, मैं थोड़ा जमा शुद्ध पंजाबी समझाता भी तुम की देख के वर्ब लगानी है, समझ लग गई जी। चलो नेक्स्ट देखो बई, कहिंदे अ वाइट एंड ब्लैक गाउन, पहले तो अद्धे बच्चों को यही नहीं पता चलिया होना भी इतने गाउन किन्ने ने, एक है कि दो है, ठीक है, वर्ड परचेज लिखे बाय मी, कहिंदे परचेज किया गया मेरे द्वारा, लेट्स सी हुण इहदे विच की है, देखो आर्टिकल देखो किन्ने आ, आप है ना आर्टिकल, इको ही आर्टिकल है ना, मैं इतने ऐ तो नहीं लिखा, मैं इतने ऐ तो नहीं लिखा अ ब्लैक एंड वाइट ही लिखे, मैं ऐ तो नहीं लिखा अ ब्लैक एंड वाइट का नहीं लिखा, नहीं लिखा जी, बिल्कुल भी नहीं लिखा, तो इट मीनस ये की होया जी, थोड़ा सिंगुलर है, जो दो आर्टिकल वक् वक् हो गए तो इट मीनस उत्ते दो प्रोडक्ट्स बारे गल की गई है, दो नाउन्स बारे, ठीक है, जिदा हूँ आ देखो मैं लिखते ना अ ब्लैक एंड अ वाइट, तो यह मतलब की है, जे इतने गाउन लिखता सपोज करो जिते मैं गाउन लिखता इतने जिम्मे लिखता गाउन, ठीक है, यदा मतलब एक काला और एक चिट्टा गाउन हो गया, पर उपर उपरले का मतलब की बनया है, एक चिट्टा तो जिदे भी ब्लैक तो वाइट होंगे ना कलर मिक्स जे कलर होंगे, ठीक है, ओवले, ठीक है, जिमें काउज भी होंगे ना, जिदा मैं तुम दसा काउज के भी क्वेश्चन क्वेश्चन बनना होगा, जिमें अ ब्लैक एंड वाइट काउ, ठीक है बच्चा, तो एक होंगे थोड़ा अ ब्लैक एंड वाइट काउ, हूँ मैं तुम्हें चंकी तरह दस दिनी भी की है, हूँ यह मतलब तो यह होंगे भी काउ एक जी चिट्टी भी होंगी तो काली भी होंगी, देखिए तुम दोनों कलर वाली, तो इट मीनस एक काउ होगी, पर जे थोड़ू एवें आ गए ना अलग अलग आर्टिकल्स आ गए इधर का, तो इट मीनस एक काली है एक चिट्टी है, समझ लग गई। हूँ इतने देखो मैं की क्या है अ वाइट एंड ब्लैक, इट मीनस आर्टिकल किन्ने, पहले तो चैक करो आर्टिकल मेरे को एक है ना, तो इट मीनस उत्ते गाउन भी किन्ना है का एक है, बट इन्होंने वर्ब कि लगा रखी है, देखियो वर्ब इन्होंने ला रखी है वर्ब, इट इज़ रोंग, तो इतने वर्ब भी कि होनी चाहिए है वॉज। हूँ देखो इतने थोड़े किन्ने क्वेश्चन प्रिपेयर होंगे है, इतने थोड़े क्वेश्चन प्रिपेयर होंगे आर्टिकल का भी प्रिपेयर हो गया, प्लस थोड़ा सबजैक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट भी क्लीयर हो गया जी, ठीक है जी। चलो अगला क्वेश्चन देख रहे थे, यदि मिसटेक कि है जी बी पार्ट के, ठीक है, थीके? इट इज योर प्लूअल सब्जेक्ट, थोनू मैं एक चीज कही सी भी जे थोड़ा सब्जेक्ट की होगा, जे थोड़ा सब्जेक्ट की होएगा बच्चा प्लूअल होएगा ना, तो वर्ब भी थोड़ी ऑलमोस्टली केड़ी होनी चाहिए प्लूअल होनी चाहिए। हूँ देखो मैं की कह रही हूँ सो बच्चे, मैं की कह रही हूँ
100 बच्चे मेरी क्लास दे विच नेगे, ठीक है, ता इत्थे इज नहीं आउंदा, इत्थे की आएगा, आर आऊगा, समझ लगी। जे मैं कहदा 10 बुक्स, नॉर्मल जी गल है, जे मैं कहदा 10 बुक्स ता वर्ब केड़ी होनी चाहिए है, प्लूरल होनी चाहिए है, ठीक है। ये चीज़ ना तुसी ध्यान नोट डाउन कर लो कि जे तुहानू इत्थे नंबरिंग आई है, जे तुहानू इत्थे कोई नंबरिंग आई है, वन सिंपल वन दे वाले तो एक ही लाना है ना, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 लाइक दैट, ठीक है। तो उस बाद जो थोड़ा नॉर्मल नाउन है ना, नाउन की गल कर रही हूँ, वो प्लूअल होगा, केड़ा होगा बई, प्लूअल होगा, ठीक है। तो वर्ब भी उत्थे की होनी चाहिए प्लूअल, बट इन्हें देखिए इज प्रेजेंट ला रखे, नोट इतने कोई इज प्रेजेंट नहीं आता, इतने आऊगा आर, आऊगा आर प्रेजेंट इन माई क्लास। आई होप थोड़ा ये क्लीयर होएगा राजी, समझ लग गई ना, बड़ा ईजी सगा, क्लीयर है जी। इन स्क्रीनशॉट लैके रख लो, ठीक है, मैं तुम्हें एक बार पिछले का भी कर दिनी है, यदा भी स्क्रीनशॉट लै लो, तुम कर लियो बाद चो, ठीक है। एक तुम यदा भी लै लो स्क्रीनशॉट, एक खुद बाद आप ही दिमाग लगा के करके देखने हैं। चलो अगला देखते हैं जी, सब तो वधिया क्वेश्चन है नैक्सट, देखो जी, कहते जी द परसेंटेज ऑफ एक्सपर्ट टीचर्स वॉज वेरी स्मॉल, ठीक है। पहला मैं ये दसदा, ए कोई भी एरर नहीं है, मैं जान के लेके आई हूँ क्वेश्चन, ठीक है। देखो की कंसैप्ट है, जो भी तुहानू सबजैक्ट लिख लो, नोट डाउन करो, जो भी तुहानू सबजैक्ट द परसेंटेज ऑफ करके लिखा आ गया, द परसेंटेज ऑफ लिखा आ गया, कुछ मैटर नहीं करता, वर्ब हमेशा तुहाडी की रहूगी जी, सिंगुलर रहूगी। बच्चों की लगेगा, बच्चों लगेगा विथ द टीचर्स पाएगा, वर्ब की होगी प्लूरल, बट नहीं जी, इतने द परसेंटेज ऑफ आ गया तो वर्ब ऑलमोस्टली की रहूगी जी, वॉज, ठीक है। कहते भी एक्सपर्ट टीचर जी परसेंटेज वो काफ़ी घट है, ठीक है। तो याद रखियो जे द परसेंटेज ऑफ, एक होर लिख लो, जे थोनू द नंबर ऑफ भी लिखा आ गया, ये भी लिखी लो, तुसी जे थोनू द नंबर ऑफ लिखा भी आ गया, तुसी वर्ब केड़ी रखनी है, सिंगुलर। इज दैट क्लीयर एवरी वन, अरे को नवा रूल हो गया ना तुहाडे लई, चलो जी आ भी लिख लो, टेस्ट का यही होंगे, अपन नवे नवे रूल कलैक्ट होंगे, क्लीयर है जी। नैक्सट करो जी, नैक्सट कहते वन थर्ड ऑफ द मिल्क आर येट टू बी सोल्ड, दसो जी ए बी सी ते डी, पहले देखो आ की है वन थर्ड, ठीक है जी। मिल्क केड़ा नाउन है तुहाडा, अनकाउंटेबल, मैं तुहानू दस्सिया सी ना, वन थर्ड, ठीक है जी। जे तो आंदा है काउंटेबल नाउन, जे तुहाडा आंदा है काउंटेबल नाउन, ठीक है, तो एक साइड आंदा तुहाडा अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन आंदा है। पहला तुसी यही चेक करोगे भी जिहड़ा वन थर्ड तो बाद कुछ भी हो सकता है, इत्थे तुहानू एक चीज़ आ भी लिख लो, रेस्ट ऑफ भी लिखा आ सकता है, ठीक है। जिवें तुहानू वन थर्ड की है, तुहानू की पता इत्थे टू थर्ड लिखा भी आ जाए, ठीक है जी, या फिर जिवें तुहानू रेस्ट ऑफ कहता, होर लिखो, होर की आ सकता है, तुहानू लिखा आ सकता है 20% लिखा आ सकता है, ठीक है, 20%, 30% लाइक दैट, ठीक है जी। तो ये चेक करने हैं जो नाउन है की हैगा, इन्ना वर्डिंग तो बाद जो नाउन है कि वह काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है, ठीक है। जे मैं देखिया पर मैं चेक किया भी इतने जो मेरा नाउन है ना वो तो अनकाउंटेबल है, मिल्क नू मैं गिन ही नहीं सकती, मिल्क आप गिन नहीं सकते, जिवें वर्क नू नहीं गिन सकते, है ना, इनफोरमेशन नू नहीं गिन सकते, ठीक है। तो मैं देखिया भी नाउन तो मेरा यह लग्या पेगा अनकाउंटेबल है, नाउन तो मेरा अनकाउंटेबल है, तो फिर आर की करी जाता है, आर नहीं आता, इतने की लगेगा इज, बस ये चीज़ का तुम चंगी तरह ध्यान रखना है भी जे उ वैसे भी अपन पता है ना भी जे अनकाउंटेबल नाउन होंगे है उदो आप वर्ब केड़ी लानी होंगी है जी, सिंगुलर। ये चीज़ नोट डाउन करके लिखो जल्दी, ठीक है जी। वर्ब की रहेगी थोड़ी सिंगुलर रहेगी, तो ऑप्शन बी दे विच करेक्शन की लोड़ है, ठीक है। चलो मैं थोड़ी काम दिनी है, तुम करो, लिखो जी वन थर्ड, वन थर्ड ऑफ स्टूडेंट्स, वन थर्ड वेट, तुसे लिखोगे वन थर्ड ऑफ स्टूडेंट्स, वेट गलत हो जाता, चलो मैं इन्हें ऐ लिख देनी है, ठीक है, वन थर्ड ऑफ टोटल स्टूडेंट्स इज एम आर, चलो जी ये तो आ गया जी दूजा क्वेश्चन, बस ये देखना है काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है, फिर उस अकॉर्डिंग लगा दियो भाई, आंदा ही होगा थोड़ा तो ईजी है। चलो
नैक्सट देखो जी, सिमिलर जी लग रही है ना, एवरीथिंग एवरीथिंग बट इतने मैंने पेन कर देनी है, थोड़ा चंगी तरह समझ आ जूगा, पेन ही कर देनी है। ठीक है, तो एक चीज़ का ध्यान देना, कहते एवरीथिंग बट पेन वॉज देयर, एवरीथिंग बट पेन्स वॉज अवेलेबल देयर। हूँ तुम एक चीज़ नोट की, सेम ही वर्डिंग है ना, सेम ही है। ठीक है, एवरीथिंग एदा मतलब है सब कुछ सीगा, सिर्फ पेन नहीं सीगा उत्थे, एदा मतलब भी सेम ही है। क्लियर है जी, तुसी लिख लो ये चीज़ ना, लिख के रखो, भावा तो आ गया नथिंग बट, भावा आ गया जी एवरीथिंग बट, ए तो बाद भावा नाउन आ रहा सिंगुलर, भावा आ रहा जी प्लूअल, भावा तो नाउन आ रहा सिंगुलर, भावा आ रहा जी प्लूअल, उत्थे थोड़ी जी वर्ब है वह हमेशा सिंगुलर रहेगी। लिख लो जी, नाउन तो भावा सिंगुलर आ रहा जी, भावा प्लूअल आ रहा जी, काउंटेबल आ रहा जी, अनकाउंटेबल आ रहा, मैटर ही नहीं करता। ठीक है, तुहाडी वर्ब हमेशा उत्थे की रहेगी जी, सिंगुलर। ये चीज़ नूं तुसीं चंगी तरह नोट डाउन करके लिख के रख लो, ये तां ही मैं इकट्ठे लिखे सी, मैं कहा तुहानूं वधिया क्वेश्चन जां मिल जूगा। क्लीयर है जी, ये चीज़ नूं नोट डाउन कर लो जी। चलो जी, ऑलवेज की लाना है काउंटेबल, कुछ भी आ गया बस वर्ब असीं सिंगुलर रखनी खत्म। ठीक है, नेक्स्ट देखो भी, देखो ना आ चीज़ें देखो ध्यान, ये भी मैं जान के इकट्ठिया लिखिया है ना, इस तरह कहते की लगेगा, टू स्विम, टू प्लस जो वर्ब की पहली फॉर्म। ठीक है, नॉर्मल जो तो ए की बन जाती है, सबजैक्ट बन जाती है, की बन जाती है सबजैक्ट, लिखो जो टू के नाल वर्ब की पहली फॉर्म लगी होंगी है, तो वो थोड़ा कादा काम करे जी, सबजैक्ट का काम करे, तो उत्थे हमेशा वर्ब थोड़ी सिंगुलर होगी। लिख लो, उत्थे वर्ब थोड़ी हमेशा की होगी सिंगुलर। नोट डाउन करो जी भी, जो टू के नाल इनफिनिटिव वर्ब, ठीक है जी, वर्ब के नाल पहली फॉर्म आ जाए, तो वह जो थोड़ा सबजैक्ट का काम करे, तो वर्ब की रहेगी जी, थोड़ी सिंगुलर रहेगी। लिख लो जी, वर्ब की रहेगी जी सिंगुलर। तो हूँ इतने आही पूछे ना भी, जो स्विम करना की है जी, गुड एक्सरसाइज है, तो मैं इतने लगावगी इज। क्लीयर है, चलो जो ये रनिंग की है, दिस इज योर जीरेंट। लिखो, जो वर्ब की पहली फॉर्म ना आई एन जी लगे हो, कि काम कर रहे हो, जीरेंट का काम कर रहे हो, नाउन है इस तरह का। ठीक है, यही एक तरह का कहदा काम कर रहे जी, नाउन का काम कर रहे जी। नोट डाउन करो, एक कहदा काम कर रहे जी, नोट डाउन नाउन का काम कर रहे। कुछ एक वर्ब की जिम्मे हम वर्ब की पहली फॉर्म ना आई एन जी लग गया। ठीक है, यह मेन वर्ब की तरह काम तो कर ही नहीं रहा, हूँ यह इतने फिलहाल कहदा काम कर रहे, एज अ सबजैक्ट का काम कर रहे हैं, कहदा काम कर रहे हैं सबजैक्ट का। ठीक है, जो कद भी एम ए आई एन जी करके अगे लग्या पाया हो ना, तो जीरेंट होंगे तो नाउन का काम कर रहा होंगे, सबजैक्ट का काम कर रहे हैं। ठीक है जी, तो उदो भी वर्ब थोड़ी की होनी चाहिए, सिंगुलर होनी चाहिए। ठीक है, की होनी चाहिए सिंगुलर। पर सपोज करो जे मैं थोड़ा चेंज करा, तुम दस्यो मैं थोड़ू की लगता है, इतने आप ऑलरेडी कर ली जी, हूँ मैं इतने लिखदा टू स्विम एंड टू रन, किन्ने हो गए, दो हो गए, तो वर्ब भी की होगी प्लूअल होगी, वर्ब भी की होगी प्लूअल, पर जी हाँ कला आया फिर सिंगुलर। हूँ जी मैं इतने आ जूगा आर, ठीक है, फिर जे मैं इतने लिखदा रनिंग, रनिंग एंड जे मैं लिखदा नाल भाई स्विमिंग लिखदा, तो यदा मतलब होगा भी किन्या की गल होगी, दो दी, तो इतने भी की लग जूगा आर। बस इन्ना चीज़ा करनी तुसी की देना, ध्यान देना भी जे तो हाँ कला आया तो वर्ब सिंगुलर, जे हाँ टू स्विम या टू रन करके कुछ अद्दा करके सब्जेक्ट बनाया आ गया तो प्लूअल। ठीक है जी, आई होप तुसी यह चंगी तरह देख लिया होगा, जे नहीं समझ भी आया दोबारा फिर देख लियो, प्रीवियस वीडियो चैकआउट कर लियो, आ तुहानू पक्का हैल्प करूगा ही करूगा जी। ठीक है जी, चलो हुण आपां नैक्सट वीडियो च मिलांगे नवे कंसैप्ट दे नाल। क्लीयर, ठीक है जी।